कहते हैं मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। जी हाँ, साबिर साहब की दरगाह इसी कहावत को पूरा करती हुई नजर आती है। साबिर साहब की दरगाह पर अपनी परेशानियों से निजात पाने के लिए हर रोज हजारों जायरीन पहुंचते हैं। लोगों की दुआ प्रार्थना साबिर के दरबार में पूरी होती है। साबिर साहब का पूरा नाम हजरत महदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर है, जिनकी दरगाह पर आने से पहले बड़ा से बड़ा भूत भी पना मांगता है। महदूम पाक की बारगाह आलिया में दूर दराज से तमाम हिंदुस्तान से घर मुल्कों से सभी जायरीन आते हैं। खसूसन खास तौर से उनमें ज्यादा तादाद उन लोगों की है जो सिफल इलम जादू टोने आसेब के सताए हुए लोग, वो ज्यादा हैं यहाँ तादाद में, और उनको शिफा भी मिलती है हुजूर मखदूम पाक की बारगाह आलिया से। खसूसन हुजूर मखदूम पाक की जालियों में इतनी तासीर है आका के रोज़े मुबारक की, तो आप बात छोड़ दें। जालियों में जो लोग जादू टोने सिफल इलम के सताए हैं, अगरचे वो हुजूर मखदूम पाक की जाली पकड़ करके बैठ जाए तो जबरदस्त तरीके से उन्हें फैज मिलता है और उससे वो ठीक भी होते हैं। साबिर के दरबार में जिन और भूतों को सरेआम फांसी भी दी जाती है, न जाने कितने ही लोगों को इस दरबार में आसमानी बालाओं से छुटकारा मिला है। साबिर के दरबार में एक कूलर खाने से बे औलादों को औलाद भी मिल जाती है। बताया जाता है कि कलियर में साबिर साहब 12 साल तक कूलर के पेड़ के नीचे खड़े रहे और बिना भूख प्यास के खुदा की इबादत में मशगूल रहे। यही वजह है कि आज देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लोग बड़ी संख्या में साबिर के दरबार में बड़े अदब और एहतराम के साथ पहुंचते हैं। माना यह जाता है कि साबिर के दरबार में अपनी मन्नत मुरादे लेकर पहुंचने वाले कभी खाली हाथ नहीं लौटते। साहब की दरगाह में जिन्नातों के लिए तो यह है कि जो कितना भी बड़ा जिन्नात अगर वो दुनिया में किसी भी दरगाह पर हाजिर नहीं होता है, साबिर पाक का एक ऐसा दरबार है जहाँ पर बड़े से बड़ा जिन्नात घुटनों के बल आता है और सर के बल पटक पटक के अपनी जान दे देता है। सरकार साबिर पाक के दरबार में आकर मरीज को फैज होता है। कितना ही बड़ा जिन्नात किसी मरीज के ऊपर होता है वो यहाँ से फैजयाब होकर जाता है। जिस तरह से साबिर पाक अपने सब्र के लिए पूरी दुनिया में पूरे वर्ल्ड में मशहूर है, इसी तरह से साबिर पाक का दरबार एक ऐसा दरबार है यहाँ जो जिस तरह से अपनी मुरादे लेके आता है सच्चे दिल से, वो अपनी झोलिये भर के ले जाता है। दरअसल करियर साहब की दरगाह पर पहुंचने पर लोगों को फैज हासिल होता है। हर रोज हजारों जायरीन साबिर के दरबार में पहुंचते हैं। माना यह जाता है कि साबिर के दरबार में बड़ी से बड़ी बीमारी और परेशानी दूर हो जाती है। साबिर के दरबार में बड़ा से बड़ा भूत प्रेत भी पनाह मांगता है। यही वजह है कि जिन और भूत इस दरबार में जमीन पर पटकियां खाते नजर आते हैं। जिन पर भूत प्रेत का साया होता है वे दरगाह से ठीक हुए बिना नहीं लौटते। दरगाह में भारी भीड़ के बीच भूत नाचते झूमते दिखाई पड़ते हैं। जिन्नात वगैरह जो लोगों पे आ जाते हैं तो वो अपनी मुरादें लेके यहाँ पर आते हैं जुमेरात के दिन, और फिर क्या कहते हैं वो यहाँ पे अपनी हाजिरी देते हैं, तो उन जिन्नातों को कैद कर लिया जाता है और उन्हें सख्त सजाए देते हैं साबिर साहब, और इनके फैज से इनके मतलब दुआओं से वो बंदा ठीक हो जाता है, तंदुरुस्त हो जाता है, और क्या कहते हैं ये उस जिन्नात को साबिर साहब पकड़ के मार देते हैं, फांसी लगा दी जाती है, उसे खत्म कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, साबिर के दरबार पर लगे गुलर के पेड़ के नीचे अपनी परेशानियां लिखने से लोगों को अपनी मुश्किलों का हल मिल जाता है। लोग यहां आते तो रोते रोते हैं लेकिन हंसते हंसते वापस चलते हैं। देवभूमि न्यूज़ रुड़की।